हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है अजय। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? मैं जानता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन की कुछ बेसिक चीज़ें, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप कुछ इनके बारे में जान पाओगे, ठीक है? कि आईफोन में कैसी चीज़ें कहाँ होती है और कैसे क्या करते हैं, और कुछ आपको मैं इनके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी मेरे पास देखिए आईफोन है, आईफोन 6s है। तो फिलहाल देखिए, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पावर बटन है, यहाँ पर सिम ट्रे लगी हुई है, ठीक है? यहाँ पे चार्जिंग जैक है, यहाँ पे जो स्क्रू है, यहाँ पे स्पीकर है, रिंगर है, यहाँ माइक है, और ये हैंड फ्री जैक है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अप डाउन और अप का बटन है, और यहाँ पे हमारा वाइब्रेटर है, ठीक है? तो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा वाइब्रेटर है, यहाँ से हम नीचे करते हैं तो वाइब्रेशन पर चला जाएगा, और यहाँ से हमारा रिंगर मोड पर आ जाएगा, ठीक है? ऊपर साइड कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमारा ये स्पीकर है, फ्रंट कैमरा है, ठीक है? और बाकी यहाँ पर हमारा होम बटन है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, इस फ़ोन को अगर आप परचेस करते हो, न्यू लेते हो, कोई भी आप अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आता है या आप सेटअप करते हो तो कैसे करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको देखिए यहाँ होम बटन है, आपको होम बटन दबाना है, ठीक है? उसके बाद एक सिम कार्ड मांग रहा है, तो आपको इसके लिए आपको पहले जो आप फ़ोन एक्टिव करोगे, सेटअप करोगे, उसके लिए आपको एक सिम कार्ड चाहिए, ठीक है? बिना सिम कार्ड के ये आगे एक्टिव नहीं होगा। तो मैं आपको इसका पूरा सेटअप बताता हूँ कि कभी आपको फ़ोन फॉर्मेट करो या फिर फ़ोन रीसेट करो, कुछ भी करो, अपडेट करो, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है? तो आपको उसके लिए पहले सिम कार्ड डालना पड़ेगा। मैं निकाल देता हूँ, सिम कार्ड डालता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड ये सेटअप होते हैं, बिना सिम कार्ड के फ़ोन आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए आपको सिम कार्ड ज़रूर चाहिए। तो ये हमारा सिम कार्ड डाल देता हूँ। इसके बाद आपको जो यहाँ पे लैंग्वेज है ये चूज़ करनी है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज हमारी आ रही है, तो हमें इंग्लिश चूज़ करनी है, तो यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, तो क्लिक कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री बता रहा है, तो आप जिस कंट्री में रहते हो आप वहाँ का कंट्री का एरिया सेट कर लीजिए, ठीक है? इंडिया में हो, जापान में हो, बस यही है, मतलब स्टेट नहीं आएगा, जहाँ पर रहते हो जैसे वहीं आएगी कंट्री आएगी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इंडिया आ रही है, तो मैं इंडिया पे क्लिक कर दिया, तो हम थोड़ा वेट करेंगे इसके लिए। तो फ्रेंड मैं बिल्कुल वीडियो पॉज नहीं करूँगा, आपको सारे स्टेप बताऊँगा, जो भी आपका इसमें समय लगेगा, जो भी टाइम लगेगा, मैं आपको सारा इसमें बताऊँगा कि कितना समय इसको स्टेप करने में लगता है, ठीक है? तो आप पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप आईफोन्स को किस तरह से आप इनके एक्टिव कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से एक्टिव हो गए, यहाँ पर किक स्टार्ट लिखा हुआ है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कीबोर्ड मांग रहा है अपना, जो अभी हमारी लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इंग्लिश कर देते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश कर देते हैं, तो इंग्लिश में आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको इंग्लिश फ़ोन की जो लैंग्वेज बदलनी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कुछ भी हो, आप यहाँ से बदल सकते हो। तो मैं इंग्लिश कर देता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए नेक्स्ट है, तो आपको नेक्स्ट करना है। फिर देखिए यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है वाईफाई, तो आपको अपना वाईफाई कनेक्ट करना है, ठीक है? तो मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ, पासवर्ड डाल के आपको जन करना है। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लग जाएगा, तो आप वेट करिए इसका, कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यू योर आईफोन होने लग गया है। तो फ्रेंड आपको बता दूं कि अगर कोई आपको फ़ोन मिलता है सेकंड हैंड, या फिर आप एप्पल आईडी पे अगर फ़ोन रुकता है, तो इसी चीज़ों के आगे हमारा एप्पल आईडी पे फ़ोन अटक जाता है, जिससे कि आगे नहीं पढ़ पाता। लेकिन अभी हमारा ये फ़ोन साफ सुथरा है, एप्पल आईडी लॉग आउट है, तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए इसमें सेटअप सारे बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए मैं यहाँ पर इसकी डाटा प्राइवेसी है सब पढ़ सकते हो, इसके बाद कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आपको अटकना नहीं है, यहाँ पर टच आईडी मांग रहा है, तो एक काम करना है, देखिए कंटिन्यू करोगे तो आपको आपका मन कर टच आईडी डाल लीजिए, अपना फिंगर डाल लीजिए, अगर ना डालना हो तो काम करिए। तो यहाँ पर सेटअप टू लेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, और देखिए यहाँ पर आपको डोंट आस कर देना है। देखिए यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सेटअप कर दीजिए, यहाँ पर डोंट यूज़ कर दीजिए, तो यह आईडी मांगेगा नहीं, ठीक है? कि यहाँ पर तब आपका अटक जाएगा, तो आपको देखिए पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड कैंसिल कर दीजिए, आप डाल दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो बैक कर दीजिए, यहाँ से देखिए कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ से लेटर कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ से पासवर्ड पर हम लेटर करते हैं, यह ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ से नीचे आके चौथे नंबर पर डोंट यूज, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, डोंट यूज़ पासवर्ड, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर भी डोंट करना है, ठीक है, डोंट पासवर्ड क्रिएट करें, डोंट पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ डोंट कर दिया, फिर वेट करिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला स्टेप खुल गया, जो हमारी ऐप डाटा होती है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए इधर सेटअप यू न्यू आईफोन लिखा हुआ है, यहाँ पे सेटअप न्यू आईफोन, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ पे आपकी एप्पल आईडी मांगेगा, तो एप्पल आईडी आप मत डाल लीजिए, यहाँ पर फॉरगेट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फॉरगेट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से देखिए एप्पल आईडी मांग रहा है, यहाँ से सेटअप न्यू मांग रहा है, तो यहाँ पर मत करिए, यहाँ से सेटअप में लेटर कर दीजिए, ठीक है? क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर डोंट लेटर कर देते हैं, डोंट यूज, ठीक है, ये क्लिक कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन की आ गई है, यहाँ पे सो आप अग्री कर दीजिए, ठीक है, अग्री लिखा हुआ है, सो अग्री कर देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। जो भी फ्रेंड सेटअप होगा आप कुछ मत करिए, यहाँ पे सीरी आ रहा है, सीरी को आप कंटिन्यू करेंगे, डोंट लेटर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से भी डोंट शेयर कर देते हैं, यहाँ पर कस्टमाइज कर देंगे डिफरेंट, फिर हमारा ये नेक्स्ट कर देते हैं,
तो देखिए अब वेलकम टू आईफोन गेस्ट स्टैंडर्ड, अब हमारा फ़ोन हमारा ऑन हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से हमने आईफोन को सेटअप किया। जो हमने न्यू आईफोन लेंगे या रिस्टोर करेंगे, कुछ भी फॉर्मेट करेंगे तो अपडेट करते हैं, तो यही सब मांगता है। तो इस तरह से हम इसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आगे की स्टेप कि आपको आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं आगे का। तो यहाँ देखिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो आईफोन में जो बेसिक होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगा फ़ोन को, कैसे फ़ोन को खोला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसको फ़ोन को खोले कैसे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पावर बटन है, इसमें या तो उसको ऑफ कर दीजिए या तो आप रहने दीजिए, ठीक है। मैं इसको बंद नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो स्क्रू होते हैं, ये फ्रेंड आईफोन के लिए अलग से स्क्रू ड्राइवर आता है, वो आपको लेना है। फिर नीचे के स्क्रू होते हैं आपको वो खोलना है। तो ये स्क्रू ड्राइवर फ्रेंड सारे आईफोन में लग जाएगा, तो आपको अलग से लेना है। भैया नाम ये बस इतना बोल देना आपको लेते वक्त कि आईफोन का स्क्रू ड्राइवर चाहिए नीचे के मेज का, तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो फ्रेंड अब आपको इसके स्क्रू जो हैं अब खोल लेने हैं। इसे खोलने के बाद यहाँ से आपको दो स्क्रू निकालने हैं, निकाल दिए। अब इसके बाद आपको करना है इसी कोने से, जितने फ्रेंड आईफोन है सब इसी कोने से निकलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से नखूनों से या ओपनर से, किसी ओपनर से इसको निकालना है। तो धीरे धीरे से हल्का हल्का आप इसको ओपनर से ओपन कीजिए, ओपनर ले लीजिए या अपने नखूनों से, अगर आपके नखून बड़े हैं तो ओपनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम निकाल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो अब इसको हल्का सा उठाएंगे, तो देखिए यहाँ से बैटरी बढ़ा देता हूँ। तो अब हमने इसका जो डिस्प्ले है वो उठा दिया। तो फ्रेंड सारे आईफोन इस तरह से खुलेंगे। अगर आप पहली बार आईफोन का काम सीख रहे हो, देख रहे हो या सीखना चाहते हो, तो इस तरह से आईफोन को के बारे में आप सीख सकते हो कि आईफोन को किस तरह खोला जाता है, ठीक है। तो अब इसको खोलना बड़ा आसान है फ्रेंड, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें आप टेंशन मत लीजिए, रिस्क मत लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड। इनको करना बहुत ही आसान फ़ोन है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो फ़ोन के अंदर लगी होती हैं, सारे आईफोन्स में जो होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा है बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे चार्जिंग का पत्ता लगा हुआ है, ये हमारा चार्जिंग फ्लैक्स है जो है पूरा जा रहा है यहाँ से चार्जिंग फ्लैक्स, ठीक है। ये हमारा वाइब्रेशन है जो हमारा वाइब्रेटर करता है फ़ोन, ये हमारी बैटरी है, और यहाँ पे जो हमारी आईसियाँ लगी होती हैं, प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिम ट्रे होती है, यहाँ पे हमारे लाइट आईसी जो होती है वो लगी होती है, और रिंगर आईसी। यहाँ पे हमारा सेंसर पत्ता है, यहाँ पे टच पत्ता है, नीचे डिस्प्ले का है, यहाँ वाईफाई एंटीना है, ठीक है। ये हमारी टच आईडी की सीट है डिस्प्ले, और यहाँ पे होम बटन है, सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको डिस्प्ले खोल लिया, तो ये सब स्क्रू आपको खोलने पड़ेंगे यहाँ से, तब जाके हमारी जो डिस्प्ले है वो डिसेंबल होगी। तो देखा फ्रेंड, तो ये है बाकी सारी बेसिक चीज़ें जो आईफोन के अंदर ऊपर दिखाई देती हैं। तो अब आप दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए स्पीकर लगा होता है, जो स्पीकर फ्रंट कैमरा वो उसके नीचे लगा हुआ है, इसके लिए भी आपको तीन स्क्रू खोलने पड़ेंगे, तब जाके ये ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको ये सिर्फ अंदर से होता है। तो फ्रेंड आपको मैंने ऊपर की बताई जो सेटअप होते हैं वो बता दिया, अंदर के भी सेटअप बता दिए, ठीक है। किस तरह आपको आईफोन के बारे में सीखना है। और फ्रेंड अगर आपको फ़ोन बंद करना हो दोबारा से, तो आपको क्या करना है, जो फ़ोन को आपको सीधा नहीं रखना है कोई एंगल से, ना आपको ऐसे दबाना है, क्योंकि ऐसे दबाओगे तो कोई फायदा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ पुश करना है, इस तरह से नीचे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको नीचे ही पुश करनी है, इस तरह से नीचे पुश करनी है। यहाँ से उठा देता हूँ, यहाँ से देखिए एक कोना नीचे लिया ऐसे ऊपर साइड से, फिर यहाँ पे हल्का छोड़ दीजिए, फिर हल्का सा साइड दबाइए, साइडों में इस तरह से दबाइए इसको आराम से, इस तरह से दबा दिया, यहीं से सेम कॉपी इधर से दबा दीजिए, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर दबे ना फ्रेंड तो ज़बरदस्ती मत दबाना। तो देखिए यहाँ से अब ये फिट हो गया है। तो देखा आपने, इस तरह से हमने इसको किया, ये हमारा है 3D टच। तो अब मैं इसके स्क्रू लगा देता हूँ। तो फ्रेंड आई होप आप समझ गए होंगे कि आईफोन की जो छोटी मोटी जो बेसिक प्रॉब्लम है, अगर आप नए हो, अगर आप सीखना चाहते हो आईफोन के बारे में, तो इसी तरह से आईफोन की कुछ नॉलेज आप ले सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मेरे को आप वीडियो से कमेंट्स में पूछ सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं सब बता दूंगा, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारी आईफोन की मैंने वीडियो डाल रखी हुई है, हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे, और भी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ फ्रेंड, आजकल जो आजकल जो ट्रेंड आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, आजकल की जो ज़माना है वो है 3D टच का। तो 3D टच होता क्या है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ 3D टच होता क्या है। तो देखिए ये देखिए जो ऑप्शन खुला है यहाँ पे मैसेज का, इसे कहते हैं 3D, और देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी क्वालिटी दिखाई दे रही है। तो ये हमारी है 3D टच, यहाँ पे किसी पे क्लिक करेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ से किसी ना किसी पे आएगा, तो ये इस पे नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड बहुत से ऑप्शन है जिस पे हमारा 3D टच ओपन करता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कंपनी की होती हैं, तो उस पर काफ़ी कुछ दिया हुआ है जिसमें हम 3D टच करते हैं। तो ये जो फ्रेंड मैं आपको दिखाया था, ये हमारा होता है 3D टच। अगर आपसे कोई पूछे कि 3D टच चलेगा, 3D टच है, 3D टच क्या होता है, तो 3D टच फ्रेंड यही होता है 3D, जो हमारे जो क्लिक दबाते हैं तो हमारा फ़ोन पूरा 3D हो जाता है। तो ये हमारा है 3D टच, 6S के बाद ही फ्रेंड चालू हुआ, ये 6S, 7, 7 प्लस, 8, 10 सब में आ गया है, ठीक है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा ये सारी जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें।
ठीक है, ये सब बेसिक ही थी, मैंने आपको कोई मेजर नहीं बताया, ये बेसिक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको टच आईडी या पासवर्ड लगाना है तो कैसे लगाना है, ठीक है। पासवर्ड लगाने के लिए आपको एक सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ से देखिए टर्न ऑन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टर्न पासवर्ड में आपको कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए, मैं डालता हूँ 1236, तो क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर वेरीफाई मांगेगा, वेरीफाई कर दीजिए 1234 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखिए ओपन लिखा हुआ है, टर्न ऑन, अब मैं बंद करता हूँ इसको, ऑन करता हूँ, यहाँ दबाता हूँ बटन, देखिए यहाँ पर हमारा पासवर्ड लग गया, ठीक है। तो आपको हमने जो डाला था 1236 वो डाल देते हैं, तो डाल दिया। अब देखिए अगर आपको हटाना है या फिंगरप्रिंट लगाना है तो देखिए यहाँ से लगाता हूँ, फिर हमारा पासवर्ड डाले वो डालेंगे 1355। तो अब देखिए यहाँ पे ऐड हमारा फिंगर लगाना है, ठीक है। तो फिंगर के लिए आपको ऐड फिंगर पे क्लिक करना है, जो हमारा फिंगर होता है इस पे आपको क्लिक करना है ऐड पे, तो इस तरह का आएगा। अब आपको एक फिंगर या दोनों फिंगर लेने हैं, एक लगाया ऐसे करते रहिए दाएं बाएं, अब एक ही तरह से फिंगर मत मारना, अलग अलग मारना, ठीक है। अब एक सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद हमको दूसरा फिंगर लेना है कि दोनों हाथ से हमें फ़ोन खोलना पड़ जाए, इसलिए करने का फ्रेंड एक भी कर सकते हो, लेकिन अब दोनों हाथ करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप करना है, और यहाँ देखिए कंटिन्यू आ गया, तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट वन ऐड हो चुका है। तो आप इसको बंद करते हैं, ऑन करते हैं, तो अब देखिए यहाँ से इसको ऐड खोलता हूँ, तो देखिए यहाँ से ये ओपन हुआ है, अभी दिक्कत आ रही है, दिखाता हूँ आपको, तो ऐसे किया और देखिए यहाँ से ये खुल गया, पासवर्ड नहीं मांगा और ये खुल गया, देख सकते हो आप फ्रेंड, अगर पासवर्ड नहीं मांग रहे हैं और ये खुल जा रहा है। आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ इस तरह से, जैसे कि मैंने बटन दबाया, यहाँ बटन दबाता हूँ, ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड नहीं डालूंगा मैं, देखिए ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड नहीं डालूंगा, सीधा फिंगर छुआया और ये खुल गया। तो एक फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस तरह से ऐड करना है सेटिंग में जाके, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों हाथ लगाया, दोनों हाथ से अब हमारा फ़ोन ओपन हो रहा है, तो देखिए इस करते हैं, देखिए यहाँ से आपको ओपन कर लेते हैं, देखिए आप गलत होगा तो आप नहीं मांगे इस तरह का होगा, तो ये खुल गया। तो फिर अगर आपको फ्रेंड अगर बंद करना है इन चीज़ों को, तो फिर से आप सेटिंग में जाइए और सेटअप टच आईडी पे जाइए, फिर अपना पासवर्ड डाल दीजिए जो लगाया आपने, ठीक है। सबसे पहले आप पासवर्ड बंद कर देते हैं, यहाँ टर्न ऑफ करते हैं, दोबारा पासवर्ड डाल के बंद हो गया, तो देखिए वहाँ पे हमारा चला गया है, बंद हो गया। अब हमारा फिंगर है, अब फिंगर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिंगर डिलीट करना है, जब फिंगर वन लिखा हुआ है तो ऐड पर क्लिक करिए, डिलीट है, डिलीट कर दीजिए, और यहाँ से हमारा फिंगर ऑफ हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से फ्रेंड आप आईफोन की बेसिक चीज़ें जो है आपको मैंने आज बताई हैं। तो अगर आपको फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आईफोन्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फिलहाल अभी तो फिलहाल फ्रेंड कम वीडियो आ पा रही है मेरी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।